नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। केंद्र की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखा। आपको बता दें कि इस बजट के बारे में सत्ता पक्ष के प्रमुख नेताओं के द्वारा इसे किसान गरीब हितैषी बताया गया, वहीं विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा बजट में कुछ भी नया न होने की शिकायत दर्ज कराई गई। अपनी इस रिपोर्ट में हम आज चर्चा करेंगे बजट में हुए कुछ नवीन बदलाव, की क्या कुछ रहा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, और साथ ही साथ बजट से जुड़े हुए कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के बड़े बदलाव के बाद इनकम टैक्स में होने वाले स्लैब में चेंजेस की। तो निर्मला सीतारमण के पिटारे से टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को 5 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें पहले स्लैब के अंतर्गत 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स, दूसरे स्लैब के अंतर्गत 5 से 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर 10% टैक्स, और तीसरे स्लैब के अंतर्गत 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% टैक्स, और चौथे स्लैब के अंतर्गत 10 से 12.5 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% टैक्स, पांचवे स्लैब के अंतर्गत 12.5 से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स, तथा छठे स्लैब के अंतर्गत 15 लाख या उससे अधिक की कमाई होने पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। हालांकि नया बदलाव शर्तों के साथ है, जिसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का लाभ छोड़ना होगा। अगर आप निवेश में छूट लेते हैं तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी। कुल मिलाकर 15 लाख रुपए कमाने वाले को 78,000 रुपए का फायदा संभावित है। टैक्स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और कानून के तहत टैक्स पेयर चार्टर लाया जाएगा। लोगों के मन से टैक्स को लेकर डर खत्म किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार करदाता को उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करेगी, वहीं टैक्स की चोरी करने वालों के लिए भी सख्त कानून लाने का प्रावधान इस बजट में है। पिछले बजट में सरकार ने करदाताओं को 2.5 लाख की टैक्स रीबेट दी थी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख नए टैक्स पेयर जुड़े हैं और इस दौरान 40 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। पिछले बजट में सरकार ने 2.5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री रखा था, वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स निर्धारित किया था। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा की कमाई पर 30% टैक्स की घोषणा की गई थी। वहीं कारपोरेट टैक्स में कटौती के बाद बढ़ी इनकम टैक्स में छूट की मांग की जा रही है। कारपोरेट टैक्स में कटौती के बाद पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की मांग तेजी से होती रही है और इकॉनमी में डिमांड और कंजप्शन बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में छूट बेहद जरूरी मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की राय है कि आम टैक्स पेयर्स को छूट देकर इकॉनमी में डिमांड बढ़ाई जा सकती है और पिछले कई वर्षों से इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर बात करें आम बजट की अन्य महत्वपूर्ण बातों की, तो ग्रामीण विकास योजनाओं के आवंटन में मामूली कमी की गई है और मनरेगा के बजट में भी कमी की गई है। आपको बता दें कि बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में ग्रामीण विकास विभाग के तहत विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन में मामूली कमी की है और 1.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 1.22 लाख करोड़ रुपए था। वहीं रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए आवंटन में 9,500 रुपए की कटौती की गई है। दस्तावेजों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 61,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह 2019-20 के कुल अनुमानित व्यय 71,001.81 करोड़
करोड़ रुपए से 13% कम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 2020-21 में मनरेगा के लिए वास्तविक व्यय आवंटित कोष से अधिक या इस साल के अनुमानित व्यय के बराबर रहेगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 2008 से 14 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के तहत कुल खर्च 1.91 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं 2014 से 2020 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के कार्यकाल में यह बढ़कर 2.95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अन्य प्रमुख योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा ग्रामीण इलाकों में सड़क और आवास की कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 159 मिनट यानी 2 घंटे 39 मिनट तक बजट के बारे में बोलते हुए पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नए दशक के पहले बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नया कीर्तिमान रचा। भारत के इतिहास का सबसे लंबे भाषण के रिकॉर्ड को उन्होंने महज 7 महीने के अंदर तोड़ दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नए दशक के पहले बजट भाषण में एक कीर्तिमान रचा और इस तरह से उन्होंने लगातार करीब 2 घंटे 39 मिनट तक भाषण दिया, जो भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। वहीं वित्त मंत्री ने LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की भी बात का ऐलान किया। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की बड़ी हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 2,27,794 करोड़ रुपए की सब्सिडी खर्च रहने का अनुमान इस बजट में लगाया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजटीय अनुमान 3,01,694 करोड़ रुपए से करीब 80,000 करोड़ रुपए कम है। संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी खर्च 79,998 करोड़, खाद सब्सिडी 1,08,688 करोड़ और पेट्रोलियम सब्सिडी खर्च 38,569 करोड़ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही साथ इस बजट में जूते, फर्नीचर, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद महंगे हुए हैं। वहीं सोया प्रोटीन, रॉ शुगर, प्लास्टिक केमिकल, स्किम्ड मिल्क जैसे प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।